आइए आज आपको मिलवाते हैं मोहन जी से, जो पिछले 7-8 साल से बेच रहे हैं जम्मू के सबसे ज्यादा बेहतरीन और बिकने वाले राजमा चावल। इसके अलावा इनकी दुकान पे जो दाल चावल, कड़ी चावल और आलू न्यूट्री मिलती है, उसके भी लोग यहाँ पे बहुत दीवाने हैं। मोहन जी का सफर हुआ स्कूटर मैकेनिक से शुरू, और उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया और अपना काम इतना बखूबी किया कि लोग दूर दूर से आते हैं जी इनके राजमा चावल खाने के लिए। बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत प्रेम से मोहन जी खिलाते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। जी मोहन जी का अपना एक वखरा ही स्वाद है, अपना एक वखरा ही तरीका है बात करने का। दरअसल हम जब लोगों से बात करते हैं तो हम उनके पास जाके कैमरा उनके मुंह पे लगाते हैं और बोलते हैं, हाँ जी आपका क्या नाम है और आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन इनका एक अनोखा तरीका है, अपनी जेब से निकाल रहे हैं एक पर्ची जिसके ऊपर सारी इनकी हिस्ट्री, कब से ये काम कर रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं, वो सब कुछ अभी मोहन जी आपको बताएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आपको स्वागत है। मैंने गांधीनगर ग्रीन बेड पार्क के पास नीचे बैठकर रोटी लगाई है, राजमा चावल, दाल चने की कड़ी, मटर पनीर, सब्जी, हरी सब्जी, और नीचे बैठे हैं। रोटी का डब्बा 40 रुपया, छोटा डब्बा 30 रुपया, पानी की बोतल 10 रुपया और 20 रुपया, और सोडा लिमका 15 रुपया, गोल्ड स्वाल 15 रुपया, दही का डब्बा 20 रुपया, और 10 रुपये की मक्खन की टिक्की। इस भीड़ को देखने के बाद आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मोहन जी कितने ज़्यादा फेमस हैं यहाँ जम्मू में। ये बहुत ही प्रेम से खिलाते हैं, बहुत ही दुलार से खिलाते हैं और बहुत ही स्वाद खाना खिलाते हैं। राजमा से शुरुआत होती है इनके खाने की और जाते जाते या तो कड़ी या फिर आलू मटर की सब्जी से एंड होता है। सुबह 12 बजे से शुरुआत कर देते हैं और शाम के 5 बजे तक इसी तरीके से लोग आते रहते हैं, खाते रहते हैं और अपने काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, बहुत तारीफ सुनी है इनके खाने के बारे में, और ये भी सुना है कि बिल्कुल घर जैसा खाना है। बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चलते हैं मोहन जी के पास खाने के लिए, बेहतरीन राजमा चावल मिल जाए, दाल चावल मिल जाए, जो भी मिलेगा उसका आनंद लेंगे और आपको उसका स्वाद बताएंगे। आ जाओ, आइए जी आज आपको लेके चलते हैं मोहन जी के पास। यहाँ पे आपको बहुत स्वादिष्ट खाना, वो भी घर जैसा, हम आज आपको खिलाने वाले हैं। मोहन जी के स्टॉल की सबसे खास बात यह है कि दिन में यहाँ रोज़ाना बनती है 5 तरीके की सब्ज़ी, लेकिन काउंटर पे एक बारी में एक ही सब्ज़ी परोसी जाती है। शुरुआत होती है जी राजमा से, उसके बाद आती है दाल चने की, उसके बाद आलू सोयाबीन की सब्जी, फिर मिक्स वेज, और फिर एंड में 4 बजे के बाद बनती है जी कड़ी। तो 5 डिफरेंट तरीके की सब्ज़ी बनती है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन चावल की जो मात्रा है वो दिन में लगभग 40 से 50 किलो चावल इसी तरीके से बैठ के, वो भी सड़क के किनारे, ये बेचते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये स्टॉल है जम्मू में, और मैंने देखा है ऑफिस से लेके घर के लोग भी आके अपना लंच यहाँ पे मोहन जी के हाथ से करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके खाने में भी स्वाद है, इनकी बातों में भी स्वाद है, और इंसान भी ये बहुत प्यारे हैं। तो ये देखिए जी, लगातार यहाँ पे चावल भी बनते रहते हैं, राजमा भी बनते रहते हैं, कड़ी भी बनती रहती है, दाल भी बनती रहती है। ये कितने की प्लेट है मोहन जी? 30 रुपये। ओए होए, क्या बढ़िया ये दाल लग रही है भाई, देखो ज़रा, चने की दाल 30 रुपये के अंदर, बहुत ही बेहतरीन जायका आपको मिल रहा है यहाँ पे। और इससे पहले जो थे वो राजमा थे, अब चने की दाल है, अब वहाँ कड़ी तैयार होगी, उसके बाद मिक्स वेज तैयार होगा, उसके बाद आलू मटर तैयार होंगे, और ये दृश्य सुबह से लेकर रात तक यूँ ही चलता रहता है। तो ये देखिए, ये जो पतीला आप देख रहे हैं चावल का, दरअसल हर 15 मिनट के अंदर ये जो चावल का पतीला या तो रिफिल होता रहता है या यहाँ पे दूसरा पतीला आता रहता है। और इतनी ही पॉपुलैरिटी है जी इनकी इस दुकान की, इतनी इनकी इस स्मॉल सेटअप की। जैसे कि आपने देखा, शुरुआत हुई राजमा से, अब है दाल, थोड़े टाइम बाद आएगा आलू सोयाबीन, फिर आएगा जी मिक्स वेज, फिर आएगा जी कड़ी। तो सुबह 12 बजे से शाम के 5 बजे तक 5 सब्जियां यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलती है। 1 घंटे के अंदर 1 पतीले जो है वो सब्जी का, वो एकदम फिनिश हो जाता है, और उसके बाद
यहाँ पे आपको अलग अलग सब्जियाँ मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मोहन जी के यहाँ पे आप 10 रुपये दीजिए, 20 रुपये दीजिए, 30 रुपये दीजिए, जितने मर्जी पैसे दीजिए उतने का सामान आपको ये दे देंगे, मना किसी को भी नहीं करते हैं। तो एज लो एज 10 रुपीज़ के भी आपको यहाँ पे दाल चावल मिल जाते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे लगातार ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यानी कि चावल बनने का जो दृश्य आप ये देख रहे हैं, ये सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक इसी तरीके से बनता रहता है। मेरे हिसाब से ना करते करते भी लगभग 10 से 12 पतीले चावल के बन जाते होंगे। और उसके बाद सब्जी का तो अनुमान आप लगा ही नहीं सकते, सब्जी के पतीले भी सुबह से लेकर शाम तक बनते रहते हैं। ये देखिए, एक लॉट जैसे ही चावल का गया, वैसे ही दूसरा लॉट चावल का यहाँ तैयार हो जाता है। पानी डाला जाता है गर्म करने के लिए, फिर डाले जाते हैं। लगभग कितने किलो चावल आते हैं इस पतीले में? 5 किलो चावल इस पतीले में डाले जाते हैं। तो ये देखिए जी, दाल का लॉट वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, पतीला दाल का ख़त्म हो चुका है। अब ये एक और पतीला जा रहा है यहाँ से, बेहतरीन राजमा। देखिए क्या बढ़िया इसकी रंगत लग रही है और कितने ही बेहतरीन ये दिखने में लग रहे हैं। आई एम श्योर खाने में भी उतने ही स्वाद होंगे। तो ये देखो भाई, ये है इनकी स्पेशल चटनी जो कि जाती है चावल के ऊपर, और कितनी लाजवाब ये चटनी लग रही है। दरअसल ये है जी इमली की चटनी, पुदीने की चटनी, बहुत सारे मसाले इसके अंदर इन्होंने डाले हुए हैं और बहुत ही लाजवाब ये दिखने में भी चटनी और खाने में भी बहुत लाजवाब, क्या बात है। तो भाई जब मैं यहाँ पे आया था तो राजमा का जो पतीला था ना वो ख़त्म हो चुका था, तो मुझे लगा पता नहीं अब दोबारा राजमा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि दाल के बाद दोबारा राजमा का लौट ही आया। अब उसके बाद मैंने सुना है कि न्यूट्री आलू तैयार हो रहे हैं, उसके बाद फिर कढ़ी तैयार होगी, तो 5 तरीके की डिफरेंट सब्ज़ी तैयार होती है सुबह से लेकर शाम तक। और ये है जी राजमा चावल, राजमा चावल मिल गए, आई थिंक चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही बढ़ जाती है। आओ भाजी फिर खाते हैं, आप तो खाते रहते हो, आज हम भी पहली बार खाते हैं मोहन जी के स्पेशल राजमा चावल और बताते हैं आपको कैसे हैं। भाई वाह, हमेशा ना मैं सुनता था देखता था और लोग मुझे कहते थे यार जम्मू जा रहे हो ना तो मान ले राजमा ले आना, बिल्कुल यहाँ के राजमा की बात ही कुछ और है। और लाल वाले राजमा का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है, बहुत लाजवाब है। और इनकी जो अनारदाने की चटनी है भाई, वो है सोने पे सुहागा इस राजमा चावल की। तो आइएगा जरूर यार, एक बार तो बनता है मोहन जी के पास आना। ग्रीन बेल्ट पार्क के पीछे आपने बताया, बिल्कुल ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में है, गांधीनगर में बैठते हैं ये। और 8 साल पहले शुरू की, मैकेनिकल का काम छोड़ा, और कहते हैं ना ऊपर वाला आपको जब बख्शता है तो इस तरीके से बख्शता है कि फिर आप रुकते नहीं हो। देख लो भाई कितना रश लगता है इनके यहाँ पे लोगों का खाने के लिए, इतना बेहतरीन स्वाद इनका, सच में बहुत स्वाद राजमा चावल है। कभी भी आओगे ना यार, लंच करने का मन करेगा, मजा ना आ जाए तो कमेंट में जाके बताना। आपकी प्लेट के वैसे मैं दे दूंगा, 40 रुपये की तो प्लेट है, बिल्कुल घर का खाना है उनको भाई, होमली फूड है। और एक और बात तो मैं बताना भूल गया कि जो भी सब्जी यहाँ बनाई जाती है उसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, बिना प्याज और बिना लहसुन के सारी सब्जियाँ तैयार होती है और इतनी स्वाद है। पर जी राजमा तो बहुत स्वाद है, बाकी सब्जी आप खाते रहते हो, सबका मतलब टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, घर का होमली खाना है, बिल्कुल कहते हैं ना सोल फूड, बिल्कुल जो प्लीजिंग फूड, जो पेट में बिल्कुल आराम से मजा आ जाए। मतलब कमेंट में जाओ बताओ अगर राजमा चावल आपके भी फेवरेट है। भाई मेरे तो बहुत फेवरेट है, मेरी खाने की तलाश आपके लिए हमेशा यूं ही जारी रहेगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपको फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये कर देना हमारे लिए अगर हमसे प्यार करते हो तो, जो मुझे पता है आप करते हो। मैं खाता हूँ राजमा चावल, आओ भाई। वंडरफुल।